तो नमस्कार, मैं विपुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे इस यूट्यूब चैनल और आपके सबसे प्यारे परिवार स्टडी कैपिटल में। सीयूईटी यूजी 2024 का करेक्शन विंडो 2 और 3 अप्रैल को खुलेगा, जैसा कि आप सभी को मैंने पिछले वीडियो में अपडेट किया था। उस अपडेट में मैंने आपसे पूछा था कि अगर आपके सवाल हैं करेक्शन विंडो से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। तो सबसे ज्यादा जो सवाल आया था वो ये आया था कि सर सीयूईटी यूजी 2024 करेक्शन विंडो में क्या क्या बदल सकते हैं या फिर क्या क्या सही कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन पहुंचाने वाला हूं कि आपकी जितनी भी गलतियां हुई हैं उन गलतियों में से आप क्या क्या सुधार सकते हैं और क्या क्या नहीं सुधार सकते, सब कुछ आपको एकदम कन्फर्म और क्लियर इस वीडियो में बताऊंगा। इसलिए ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। और जितने भी स्टूडेंट्स स्टडी कैपिटल इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, स्टडी कैपिटल का कोई पहला वीडियो देख रहे हैं, तो आज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि ये चैनल आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन का चैनल होने वाला है। आपको जो भी डाउट्स होंगे, जो भी आपके लिए लेटेस्ट अपडेट्स होंगी, सब कुछ इस चैनल पर आपको सबसे समय पर और सबसे सही ढंग से, यानी एकदम लेटेस्ट अपडेट और सही अपडेट आप तक पहुंचाई जाएगी। तो बारी है इस पॉइंट पर बात करने की, क्या क्या चेंज हो सकता है, क्या क्या चेंज नहीं हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं क्या क्या चेंजेस नहीं हो सकते हैं। एनटीए के ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी आपको सेम यही चीज देखने को मिलेगा। तो चेंजेस नॉट अलाउड फॉर, अगर आप चाहते हैं कि सर मैं अपना मोबाइल नंबर चेंज कर लूं जिससे मैंने रजिस्टर किया है, क्या मैं कर सकता हूं? नो, आपको इसका परमिशन नहीं मिलेगा, आप अपना मोबाइल नंबर नहीं चेंज कर सकते। सेम उसी प्रकार से कंडीशन है ईमेल आईडी को लेकर के, अगर आप अपनी ईमेल आईडी बदलना चाहते हैं तो आप बिल्कुल ईमेल आईडी अपनी नहीं बदल सकते। इसलिए हम लोग फॉर्म भरते समय आपको बार बार रिमाइंड करा रहे थे कि मोबाइल नंबर ईमेल आईडी अपनी खुद की डालिएगा, किसी और की मत डालिएगा। थर्ड चीज, अगर आप चाहते हैं चाहे आपका परमानेंट हो या फिर आपका टेम्पररी एड्रेस, अगर कुछ भी आप चेंज करना चाहते हैं बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते, कोई पॉसिबिलिटी नहीं देगी एनटीए आपको एड्रेस में बदलाव करने का। क्या क्या आप चेंज कर सकते हैं इसके क्रम को जरा अच्छे से समझिएगा। पहले नंबर पर मैंने लिखा है एनीवन, यानी अपना नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, फोटो या फिर सिग्नेचर, इन पांचों में से कोई एक चेंज करने का आपको ऑप्शन मिलेगा। यानी ये नहीं है कि नेम ही चेंज करने का ऑप्शन मिलेगा या फिर फादर्स नेम, ये पांचों ऑप्शन आपके सामने रख दिया जाएगा। इन पांचों में से हर एक कैंडिडेट अपने अनुसार कोई एक बदलाव कर सकता है, या तो अपना नाम बदल लीजिए अगर गलती हुई है, फादर्स नेम चेंज कर लीजिए, मदर्स नेम चेंज कर लीजिए, फोटो बदल लीजिए या फिर सिग्नेचर बदल लीजिए। सेकेंड नंबर पर अगर आप क्लास 10th या क्लास 12th की डिटेल बदलना चाहते हैं आराम से बदल सकते हैं, कोई भी समस्या आपको नहीं आएगी। एग्जाम सेंटर में परिवर्तन करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, बिल्कुल आप चेंज कर सकते हैं अपने अनुसार, इसमें भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। मीडियम ऑफ टेस्ट, आपने जो मीडियम सेलेक्ट किया है कि मैं किस मीडियम में पेपर दूंगा, यदि आप चेंज करना चाहते हैं बिल्कुल चेंज कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। अगर आप अपना डेट ऑफ बर्थ चेंज करना चाहते हैं, जन्मतिथि बदलना चाहते हैं, जेंडर बदलना चाहते हैं यानी अपना लिंग बदलना चाहते हैं, कैटेगरी बदलना चाहते हैं यानी कौन सी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, गलत हो गया है जनरल भर दिया मुझे ईडब्ल्यूएस भरना था, चेंज करना है, बिल्कुल आप कर सकते हैं। यानी डीओबी चेंज करना है, जेंडर चेंज करना है, कैटेगरी चेंज करना है, इन सब का ऑप्शन आपको मिलेगा करेक्शन विंडो में। यूनिवर्सिटी चेंज करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज ऐड करना चाहते हैं, बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। नंबर ऑफ कोर्सेज बढ़ाना चाहते हैं, बीए भी करूंगा, बीएससी भी करूंगा, अलग अलग यूनिवर्सिटीज से करूंगा, बिल्कुल आप बढ़ा सकते हैं, आप पर डिपेंड करता है। सब्जेक्ट यानी टेस्ट पेपर का जो सिलेक्शन है, जो चॉइस है, उसको भी आप चेंज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, बिल्कुल उसमें भी कोई समस्या नहीं आने वाली है। यानी क्या क्या चेंज नहीं कर सकते मैंने आपको बता दिया, क्या क्या चेंज आप कर सकते हैं मैंने आपको बता दिया। अब आपका करेक्शन विंडो कब खुलेगा? 2 और 3 अप्रैल को। जैसे ही करेक्शन विंडो खुलेगा हमारे इसी चैनल पर आपको अपडेट कर दिया जाएगा, क्या प्रोसीजर है उसका वो भी आपको अपडेट कर दिया जाएगा। उसके लिए क्या करना है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है सर और बेल आइकन प्रेस कर लेना है, हर एक अपडेट आपको यहां पर मिलती ही रहेगी, मैंने शुरू में ही बता दिया फॉर ऑल लेटेस्ट अपडेट। साथ में स्टडी कैपिटल का ऐप जरूर सभी लोग डाउनलोड कर लें। अभी तक मैंने कहा था कि अगर आप तैयारी करना चाहते हैं डाउनलोड कर लें, अब मैं कहूंगा कि जरूर डाउनलोड कर लें, क्योंकि यहां पर आपको दिया जा रहा है हर एक कोर्स की तैयारी के लिए प्रेरित बैच, चाहे बीए हो, बीएससी के अलग अलग स्ट्रीम्स हो, बीएलएलबी हो, बीकॉम हो, बीबीए हो, बीटेक हो, सभी के लिए। और कितने में क्रैश कोर्स है, चूंकि बहुत अर्जेंट जल्द में एग्जाम आने वाला है, तो सिर्फ ₹999 में हम ऑफर में आपको ये कोर्स दे रहे हैं। इससे कम में इतना बेहतरीन कोर्स आपको नहीं मिलेगा। और साथ में मैं आपको बता दूं कि 1 तारीख से आपकी इसमें लाइव क्लासेस स्टार्ट होने जा रही हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। लैंग्वेज की तैयारी करना चाहते हैं, डोमेन की तैयारी करना चाहते हैं, जनरल टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं, सब कुछ आपको इस बैच में मिल जाएगा। तो 1 तारीख से क्लासेस के लिए तैयार हो जाइए, फटाफट से ऐप डाउनलोड करके कोर्स में जुड़ जाइए, आपको कोर्स मिल जाएगा। साथ में हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए,
जितने भी हमारे फ्री इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स होंगे वो, और जो अपडेट हम करते रहेंगे यूट्यूब चैनल पर, नोटिफिकेशन अगर नहीं भी पहुंचता है तो इस टेलीग्राम चैनल में आपको ये लिंक और ये पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मैं दे रहा हूं, फटाफट से उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। और ऐप का लिंक भी नीचे दिया जा रहा है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए या जाइए डायरेक्ट प्ले स्टोर पर सर्च करिए स्टडी कैपिटल, आपको मिल जाएगा ऐप का लिंक। फटाफट से सभी लोग ऐप के साथ जुड़ जाएं, समय ज़्यादा नहीं है, तैयारी शुरू कर दीजिए। और अभी के लिए लेटेस्ट अपडेट कैसा रहा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कोई सवाल है तो भी कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। और फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।